Welcome back, my dear friends. Today we are going to tell you about how to write application letter for general work. जनरल वर्क सामान्य कार्य के लिए दोस्तों आज हम आपको एप्लीकेशन बता रहे हैं कैसे आप लिखेंगे किसी भी पोस्ट के लिए। किसी कंपनी में यदि कोई वैकेंसी है और आपको एक जनरल वर्क के लिए आप कोई वर्क देख रहे हैं तो आप कैसे लिखेंगे, तो एप्लीकेशन मैं आपको बता रहा हूँ। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपके लिए हमेशा ऐसे नए नए वीडियो लेके आते रहेंगे और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। चलिए दोस्तों वीडियो पे आते हैं। फर्स्टली दोस्तों आ जाएगा योर एड्रेस, आपका एड्रेस यहाँ पे मेंशन होगा, जो भी आपका एड्रेस होगा। उसके बाद आपका टेलीफोन नंबर मेंशन होगा, एड्रेस के जस्ट बाद आपका टेलीफोन नंबर होगा। रेफरेंस में दोस्तों डालना है पोजिशन ऑफ जॉब एप्लीकेशन, मतलब पोजिशन ऑफ जॉब एप्लीकेशन के लिए आप रेफरेंस में डालेंगे। उसका दोस्तों डेट होगा मेंशन, जिस दिन आप लिख रहे हैं वो डेट मेंशन होगा। उसका एम्प्लॉयर्स नेम एंड एम्प्लॉयर्स एड्रेस, एम्प्लॉयर्स नेम हो गया दोस्तों कंपनी का नाम। मान लीजिए कंपनी का नाम ABC लिमिटेड है तो आप यहाँ पे ABC लिमिटेड डालेंगे। और उसका एड्रेस यदि XYZ कुछ भी एड्रेस है तो एम्प्लॉयर्स का एड्रेस आ जाएगा, कंपनी नेम, एम्प्लॉयर्स नेम, जो एम्प्लॉयर्स नेम कंपनी का नेम है और एम्प्लॉयर्स एड्रेस है। उसका दोस्तों आपको लिखना है डियर सर, आई हम्बली रिक्वेस्ट यू वेदर देयर आर एनी वैकेंसीज इन योर कंपनी। सेवा में जो निवेदन है कि आपकी कंपनी में कोई रिक्तियां हैं, यदि वैकेंसी है इन योर कंपनी, तो आई हैव रिसेंटली कंप्लीटेड माय एजुकेशन एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। मैंने हाल ही में अपनी शिक्षा पूरी की है और मैं अपनी शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित काम खोजने के लिए उत्सुक हूँ। आई हैव रिसेंटली कंप्लीटेड माई एजुकेशन एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू फाइंड वर्क रिलेटेड टू माई एजुकेशन फील्ड। मैंने अभी अपनी शिक्षा पूरी की है और अपने शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित रिलेटेड, शिक्षा से संबंधित रिलेटेड जो है काम खोजने के लिए उत्सुक हूँ। आई वॉन्ट टू वर्क इन अकाउंट्स डिपार्टमेंट। मैंने दोस्तों ऊपर आपको बताया जैसे जनरल वर्क में डाल रहा हूँ तो जनरल वर्क में मैंने यहाँ अकाउंट के लिए जॉब के लिए डाल रहा हूँ, तो आप इसे यहाँ चेंज भी कर लीजिएगा। यहाँ जो मैंने डाला अकाउंट डिपार्टमेंट, आप यदि सुपरवाइज़र सुपरवाइज़र में जाना चाहें, जो भी एनीथिंग एल्स कुछ भी जाना चाहते हैं, एज ए डेवलपर जाना चाहते हैं, एज ए एनीथिंग एल्स जो भी आपका स्ट्रीम है, वो स्ट्रीम में आपने जो एजुकेशन लिया है उस एजुकेशन डिपार्टमेंट का यहाँ नाम, तो मैं यहाँ अकाउंट्स मैंने डाला एज ए डमी, आप चेंज कर लीजिएगा। आई वॉन्ट टू वर्क इन अकाउंट्स डिपार्टमेंट, ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट मैंने एज अ डमी यूज़ किया, इसे आप चेंज करेंगे। जो भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं वो फील्ड का यहाँ नेम आ जाएगा, वर्क इन अकाउंट डिपार्टमेंट ऑफ योर कंपनी। मैं आपकी कंपनी में अकाउंट विभाग में काम करना चाहता हूँ। आई एम इंटरेस्टेड इन दिस डिपार्टमेंट बिकॉज इट इज़ माई एरिया ऑफ लर्निंग एंड एक्सपीरियंस। जैसे कि मैंने दोस्तों आपको बताया था यहाँ पे मैंने अकाउंट स्टेट डाला है, जो यहाँ भी मैंने डाला है वही चीज़, सो डिपार्टमेंट बिकॉज इट इज़ माई एरिया ऑफ लर्निंग एंड एक्सपीरियंस। मुझे इस विभाग में दिलचस्पी है क्योंकि मेरे सीखने और अनुभव का क्षेत्र है। आई हैव डन माई ग्रेजुएशन फ्रॉम अकाउंट, अब यहाँ भी मैंने अकाउंट ही डाला है तो यहाँ भी आप चेंज करेंगे। आई हैव डन माई ग्रेजुएशन फ्रॉम, या आई हैव डन माई पोस्ट ग्रेजुएट, या आई डन माई MBA फ्रॉम मैनेजमेंट, जो भी है वो यहाँ आप चेंज करके लिखेंगे, तो ये आप प्लीज़ चेंज कर लीजिएगा। मैंने यहाँ डाला है आई, यहाँ पे एक लाइन दोस्तों आप जो भी डिपार्टमेंट जाना चाहते हैं वो चेंज करेंगे, और एक बार ऊपर जो मैंने आपको बताया अकाउंट्स वाला वो डिपार्टमेंट वो चेंज करेंगे। एक यहाँ चेंज होगा, आई हैव डन माई ग्रेजुएशन फ्रॉम अकाउंट्स इटसेल्फ एंड गेट अकाउंट एजुकेशन फ्रॉम इंस्टीट्यूट। उसका दोस्तों मैसेज सेम आ जाएगा, आई लुक फॉरवर्ड टू कंट्रीब्यूटिंग टू द डिपार्टमेंट एंड द कंपनी। आई एम सेंडिंग यू माई रिज्यूमे अलॉन्ग विद दिस लेटर विच डिटेल्स माई एजुकेशन स्किल्स एंड एक्सपीरियंस। रिज्यूम से दोस्तों याद आया, रिज्यूम का भी मैंने आपको वीडियो बना के डाला हुआ है, जो आप रिज्यूम कैसे, हाउ टू मेक योर रिज्यूम इजीली, आप रिज्यूम भी बना सकते हैं, उसका वीडियो मैंने डाला हुआ है। आई एम अवेलेबल फॉर द इंटरव्यू, उसके बाद दोस्तों आ जाएगा मैं इंटरव्यू के लिए अवेलेबल हूँ। आई विल बी